वेलकम बैक टू माय चैनल गोलगप्पा गर्ल. आई एम पूजा एंड टुडे आई एम इन वाशी. आज मैं एक्चुअली अपने फैमिली के साथ बुफे डिनर के लिए आई थी एंड आई थॉट आई शेयर माय एक्सपीरियंस विथ यू ऑल. मैं जा रही हूँ टेस्ट ऑफ पंजाब जो वाशी में है. इनके और भी ब्रांचेस हैं. ब्रांच लोकेशन, गूगल मैप लोकेशन सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो मेक श्योर यू चेक इट आउट. मैं इनके वाशी वाले ब्रांच में आई हूँ. आई एम वेरी हंग्री, लेट्स गो एंड ईट. अभी मैं आ गई हूँ टेस्ट ऑफ पंजाब में. जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे आपको एक्चुअली लगेगा कि आप एक पंजाबी ढाबे में आ गए हो जिसको थोड़ा एक मॉडर्न टच दिया गया है. पंजाबी गाने बज रहे हैं, पूरे इंटीरियर को एक पंजाबी फील दिया गया है, जैसे जुतियाँ, ढोल नगाड़े, और यहाँ का पूरा फील पिलो से लेके टेबल्स सारे एक पंजाबी वाइब देते हैं. जैसे ही आप एंट्री करेंगे आपके हाथ में एक ऐसे बैंड बांध लेंगे. अगर आप नॉन वेज खा रहे हो तो आपके हाथ में रेड बैंड, और अगर आप वेज खा रहे हो तो एक ग्रीन बैंड देंगे. तो क्योंकि मैं नॉन वेज खा रही हूँ सो आई हैव अ रेड बैंड ऑन मी. आई हैव द बुफे मेन्यू राइट हियर इन फ्रंट ऑफ मी. एक्चुअली मेन्यू टाइप नहीं है बट आपको एक जिस्ट देता है कि आप क्या क्या खा सकते हो. ये देखिए, दीज आर द प्राइसेस. वीकेंड पे प्राइसेस थोड़े ज़्यादा हैं. एंड बुफे में आपको मिलते हैं स्टार्टर्स, 5 starters वेज एंड नॉन वेज. देन यू गेट 2 soups, सैलड्स, 3 veg mains, 3 non-veg mains, दाल एंड पंजाबी करी, रोटी, कुलचा, नान, राइस, बिरयानी, डोसा, पराठे, चाट एंड डिजर्ट्स. 2 starters अभी आ चुके हैं, एक है वेज और एक है नॉन वेज. और अगर आप नॉन वेज बुफे खाते हो या आप जनरली नॉन वेजिटेरियन हो तो एक इतना बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि नॉन वेज तो आप खा ही सकते हो लेकिन वेजिटेरियंस का भी खाना आप खा ही सकते हो. ये 2 चीज़ें हैं, एक है आलू का स्टार्टर है और ये है फिश कोली वड़ा. तो पहले मैं ये ले लेती हूँ आलू का, पहले मैं आलू का ट्राई कर लेती हूँ. और इनकी थोड़ी कोरिएंडर चटनी है वो भी ट्राई कर लेती हूँ मैं. आलू इतना टेंडर है और इसमें ना कोरिएंडर पाउडर डाला हुआ है बहुत ज़्यादा, ऊपर से थोड़ा धनिया भी डाला हुआ है, बहुत ही अच्छा है. ये तो चटनी थोड़ी टैंगी है, नींबू डाला हुआ है उसमें शायद. अब ये मैं अपने मॉम को दे देती हूँ सो दैट शी एंजॉय. नॉन वेज स्टार्टर्स, ये है फिश कोली वड़ा और ये है चिकन मलाई कबाब. आई एम गोना स्टार्ट विद सम चिकन. ये चिकन मलाई कबाब, ऊपर से ही मलाई अच्छे से दिख रही है. वाओ, ये चिकन में एक्चुअली मलाई एक बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में डाली हुई है. इसमें मलाई देखिए कितनी डाली हुई है और चिकन बहुत टेंडर है. ये देखिए बहुत टेंडर चिकन है, कुछ इतना फ्लेवर नहीं है. टेस्ट वाइज बहुत ही सिंपल है और थोड़ा ब्लैक पेपर डाला हुआ है. ये क्या है? हाँ, नाउ लेट्स कम टू फिश कोली वड़ा. फिश कोली वड़ा बेसिकली फिश होता है जिसको फ्राई किया होता है. इट्स डीप फ्राइड. अंदर से इतना सॉफ्ट है और बाहर से इक्वली क्रिस्पी. थोड़ा चटनी डाल देती हूँ क्योंकि फिश कोली वड़ा, चिकन मलाई कबाब सब थोड़े फीके फीके हैं. मुझे फिश से बेटर कबाब लगा. ये 2 veg starters भी ट्राई कर लेते हैं. हाँ, आलू और चीज़ का बॉल है और इसमें थोड़े कॉर्न्स भी डाले हुए हैं. बहुत चीज़ है इसमें, बहुत गर्म भी है. स्टार्टर्स तो हमारे आते ही जा रहे हैं. ये क्या है? मटन. सिर्फ 5 मिनट हुए हैं आए और ऑलरेडी इतना सारा कुछ हमने ट्राई कर लिया है. मैं बहुत फटाफट फटाफट ट्राई कर लेती हूँ अभी एक और वेजिटेरियन स्टार्टर, पनीर. इसमें ये एक्चुअली बहुत खट्टा है, ऊपर से बहुत नींबू डाला हुआ है तो उसकी टेस्ट थोड़ी चली गई है. तो पनीर का तो मुझे ठीक लगा बट वो जो कॉर्न्स और चीज़ का बॉल था बहुत अच्छा था, बहुत गर्म, एकदम क्रिस्पी अच्छा था. थोड़ा मटन कबाब ट्राई कर लेते हैं. ये थोड़ा मटन कबाब है. बुफे का मुझे वर्थ तभी लगता है जब आपको इतने सारे ऑप्शंस मिले और जस्ट 5 मिनट्स में हमने इतने सारा कुछ टेस्ट कर लिया है ना. नाउ आई एम ट्राइंग सम मटन कबाब. आई वोंट से मटन कबाब इज़ द बेस्ट. टेंडर है बट इतना जूसी नहीं है. इनकी ये चटनी एक्चुअली बहुत अच्छी है, हमने तो आधी ख़त्म भी कर ली है. नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई सम चिकन विंग्स. वाओ, एकदम देसी चिकन विंग्स हैं ये तो. इसकी जो पेस्ट है जिसमें इसको टॉस किया गया है उसमें अनियन, टमेटो और एक मसाला होगा, आई थिंक चिकन मसाला होगा,
और धनिया डाला हुआ है, जो हम घर पे चिकन हंडी बनाते हैं एकदम वैसा टेस्ट आ रहा है। अभी तक तो मेन कोर्स तक हम आए भी नहीं है और लाइव काउंटर से हमने चाट और ये आलू का पराठा लेके आया। ये देखिए आलू का पराठा, इसके ऊपर आप मक्खन देखिए कितना है। ये आप आलू पराठा देखिए, इसके साथ दो अचार है, ये तीखी अचार होगी मिर्ची की और ये खट्टी अचार होगी। चलो एक बाइट ले लेते हैं। अभी तक की सबसे बेस्ट चीज ये आलू का पराठा, इतना होम स्टाइल पराठा है, जो मक्खन है जो इतना रिचनेस और इतना अच्छा फील ला रहा है। इसमें बहुत सारा धनिया भी डाला हुआ है और थोड़े थोड़े ग्रीन चिलीज भी डाले हुए हैं। मॉकटेल्स अगर आप दो मंगाएंगे तो आपको एक फ्री मिलेगा, एटलीस्ट डे ऑफर अभी तक चालू है। सो आई हैव ऑर्डर्ड वर्जिन पिना कोलाडा फॉर माई सेल्फ। पाइनएप्पल और कोकोनट से बनता है ये, और ये एक्चुअली दूसरे ड्रिंक्स के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा स्वीट होता है, बट मुझे काफ़ी रिफ्रेशिंग लगता है क्योंकि मुझे पाइनएप्पल और कोकोनट दोनों का फ्लेवर काफ़ी पसंद है। सो दिस इज़ एक्चुअली वन ऑफ माई फेवरेट मॉकटेल्स टू हैव, एंड दिस वन इज़ रियली नाइस। इट्स वेरी थिक एज इट शुड बी। और अभी जो भी मैंने स्टार्टर्स खाए, मुझे वेज के स्टार्टर्स नॉन वेज स्टार्टर्स से बेटर लगे और मुझे चाट भी काफ़ी अच्छी लगी। एक्चुअली बहुत कुछ है और यहाँ पे मैच देखने में भी बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे पंजाबी परफॉर्मेंसेस हो रही है, ये देखिए ऐसी परफॉर्मेंसेस। इसके साथ हम मैच भी देख रहे हैं और खाना भी एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए मेन कोर्स में मैंने क्या क्या लिया है। आपको सैलेड में ऑप्शंस मिलते हैं, मैंने सैलेड इतना नहीं लिया, यू कैन मेक योर ओन सैलेड। फिर उसके बाद मैंने एक पनीर की सब्जी ली है, पनीर कढ़ाई मसाला या पनीर बटर मसाला जैसी है। फिर ये दाल मखनी, थोड़ा चाउमीन, ये है मक्के की रोटी और इसको मैं खाने वाली हूँ ये साग के साथ, सरसों दा साग। उसके साथ ये हंडी की मैंने एक सब्जी ली है, जो चिकन मुर्ग हंडी है, जो चिकन की सब्जी है। ये मैंने एकदम थोड़ी सी दाल ले ली है और ये है छोले। तो एक अच्छी चीज़ तो ये है कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। मैं थोड़ा चाउमीन ट्राई कर लेती हूँ, फिर मैं ये पंजाबी खाना ट्राई करूँगी। ओके हैं, इतने फ्रेश नहीं लग रहे हैं, इतना गर्म भी नहीं है चाउमीन। चाउमीन तो मुझे अच्छे नहीं लगे। अब मैं थोड़ा मक्के की रोटी को सरसों के साग के साथ खाऊंगी। वाओ, सरसों का साग का फ्लेवर एकदम माइल्ड है, स्पिनिच बहुत ही अच्छे से कुक किया गया है, और सबसे बेस्ट चीज़ ये देसी घी की टेस्ट आ रही है। पंजाबी फूड में जब तक देसी घी की टेस्ट नहीं आए, बात ही नहीं बनती। और इसमें देसी घी की इतनी अच्छी टेस्ट आ रही है और एकदम लाइट ऑन स्टमक है। थोड़ा पनीर ले लेती हूँ मैं। पता नहीं क्यों यहाँ पे मैंने पनीर का जो भी खाया है वो एकदम खट्टा क्यों टेस्ट आ रहा है। पता नहीं इनका पनीर ही खट्टा है या ये लोग अलग से नींबू या कुछ डाल रहे हैं। मतलब अगर बटर पनीर मसाला है या कढ़ाई पनीर मसाला है उसमें थोड़ा सा तो स्पाइसीनेस होना चाहिए, बट ये मुझे बहुत ही क्रीमी और खट्टा लग रहा है, तो मुझे काफ़ी ओके लगा। ये दाल मखनी को मैं थोड़ा चावल के साथ खा लेती हूँ। वाओ, जो टिपिकल पंजाबी डिशेस होती हैं वो तो इन्होंने एक्चुअली बहुत अच्छे से बनाई है, जैसे सरसों का साग, दाल मखनी और ये मक्के की रोटी, ये सब इन्होंने बहुत अच्छे से बनाया है। ये है मुर्ग हंडी, मुझे लग रहा है अनियन और टमेटो की एक बहुत ही थिन ग्रेवी है, पतली ग्रेवी है, जिसमें मुर्ग के पीसेस डाले हुए हैं विद बोन चिकन है ये। ये एकदम इन्होंने ऐसे बनाई है जैसे हम घर पे ही बनाते हैं। फैक्ट जो स्टार्टर्स में हमने वो चिकन खाई थी सेम वैसी ही है ये,
सिर्फ ऐसे लग रहा है कि वो जो पेस्ट थी उसको एज अ ग्रेवी में कन्वर्ट किया है. सेम वैसी है, अच्छी टेस्ट है बट इतना स्पाइसी नहीं है. आई मीन स्पाइसी में से एक्सट्रीमली स्पाइसी नहीं चाहिए बट एटलीस्ट थोड़ा स्पाइस लेवल तो होना चाहिए. फ्लेवरफुल अगर मैं बोलूँ है या नहीं तो फ्लेवर काफ़ी अच्छा है चिकन का बट स्पाइस इतना नहीं. एंड इट्स टाइम फॉर स्वीट एंडिंग्स. डिजर्ट्स में यहाँ पे सिर्फ इंडियन मिठाइयाँ ही जो होती हैं वही एज ऑप्शंस हैं. वी हैव रबड़ी, जलेबी, गुलाब जामुन एंड गाजर का हलवा. लुक एट दिस, आई हैव गॉट ऑल ऑफ इट. आई एम गोना स्टार्ट विथ सम जलेबी. ये देखिए रबड़ी, जलेबी बहुत ज़्यादा स्वीट है और थिन नहीं है, काफ़ी थिक है. बट जलेबी से अच्छी तो रबड़ी है. रबड़ी इतनी परफेक्ट है, इतनी स्वीट भी नहीं है. इलायची भी डाली हुई है बहुत सारी. गुलाब जामुन इज ऑल्सो वेरी नाइस. आई थिंक मेन कोर्स से अच्छा तो मुझे डिज़र्ट खाने में मज़ा आ रहा है. थोड़ा गाजर का हलवा ले लेती हूँ. गाजर का हलवा थोड़ा ओके लगा मुझे. गाजर का जो हलवा होता है ना वो एक्चुअली थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, एकदम मुंह में रखते ही अच्छे से पिघल जाए. बट ये इतना सॉफ्ट नहीं है. और दूसरा, गाजर के हलवे में जो घी यूज़ किया जाता है बनाने के लिए उसकी एक बहुत अच्छी टेस्ट आनी चाहिए, वो इसमें नहीं है. बट एनीवे मुझे जलेबी, रबड़ी और गुलाब जामुन बहुत अच्छा लगा. दिस वॉज माई डिनर बुफे एक्सपीरियंस एट टेस्ट ऑफ पंजाब. अगर मुझे 10 में से रेटिंग्स देनी होंगी तो मैं दूंगी 7.5, क्योंकि मुझे मेन कोर्स इतना अच्छा नहीं लगा. ऑल्सो मुझे ये लगा कि नॉन वेजिटेरियन में जो भी डिशेज थी वो मुझे इतनी टेस्टी नहीं लगी. स्पाइसेस जो पंजाबीज बहुत ही अच्छे से यूज़ करते हैं वो इतने यूज़ नहीं किए गए थे. डिजर्ट्स बहुत अच्छे थे, स्टार्टर्स में ऑप्शंस बहुत थे बट मुझे वेज स्टार्टर्स ज़्यादा अच्छे लगे थे. बट सबसे बेस्ट बात ये जगह की है, यहाँ का एम्बियंस. जो लोग भांगड़ा करते हैं, वहाँ के जो इंटीरियर्स हैं, वहाँ का जो स्टाफ है, स्टाफ बहुत कर्टियस है. दैट वाज द बेस्ट थिंग. सो ओवरऑल देखा जाए तो मुझे बहुत मज़ा आया. वन टाइम विजिट के लिए दिस प्लेस इज़ रियली गुड. बट मैंने और बेटर बूफेज डेफिनेटली खाए हैं. बट फॉर अ होल एक्सपीरियंस यू शुड डेफिनेटली कम हियर. मुझे कमेंट्स में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा. एंड ऑल्सो लेट मी नो इफ आई शुड शूट मोर ऑफ दीज बुफे प्लेसेस. और हमने आज यहाँ पे IPL की मैच भी देखी. आप कौन सी IPL टीम को सपोर्ट करते हो मुझे कमेंट्स में बताइए. मैं चेन्नई को सपोर्ट करती हूँ, मैं डाई हार्ड धोनी फैन. टाइम अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन खाओ पियो खुश रहो. बाय बाय.